फ्रेंड्स, कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में हम बात करेंगे वूलन क्लोथ्स के लिए कि उनको कैसे वॉश किया जाए और उनको कैसे स्टोर किया जाए, और कुछ अनश्रिंक करने के लिए भी टिप्स देखेंगे। तो सबसे पहले है वॉशिंग टिप्स। वूलन क्लोथ्स को हमेशा जो है वार्म वाटर में ही धोना चाहिए, ना पानी को ज़्यादा गर्म रखना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा। इससे जो वूलन्स होते हैं सिकुड़ने का उनका डर रहता है। हमेशा वूलन कपड़ों को धोने के लिए हमेशा माइल्ड सोप यूज़ करें जो वूलन्स के लिए आते हैं, नॉर्मल सोप ना यूज़ करें। वूलन्स को निचोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें नॉर्मली आराम से इस तरीके से हाथों से निचोड़ते हुए ही सुखाएं। कभी भी वूलन्स को टंगाना नहीं चाहिए हैंगर में, उन्हें हमेशा फ्लैट सरफेस पे ही रखना चाहिए। इससे जो वूलन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हमेशा वूलन कपड़ों को तय मार के रखना चाहिए, इससे जो है वो रिंकल फ्री रहते हैं, क्योंकि रिंकल पड़ने के बाद आयरन करना वूलन्स को ठीक नहीं रहता। वूलन कपड़े धोने के बाद आखिर में आप उसमें एक ढक्कन विनेगर या फिर आप ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। इससे जो वूलन्स की चमक होती है वो बरकरार रहती है। अब हम कुछ स्टोरेज टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा जो है वूलन्स को कबर्ड के अंदर तय मार के ही रखना चाहिए, इससे वो रिंकल फ्री रहते हैं। और आप नीम के पत्ते भी जो हैं कबर्ड्स के ऊपर बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर अखबार बिछाइए, इससे वो नमी से भी बचे रहते हैं। या फिर आप लौंग भी यूज़ कर सकते हैं, लौंग की पोटली बना के अपने कबर्ड के अंदर रखें, इससे भी जो वूलन्स हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी अपने वूलन्स को रख सकते हैं, इससे भी आपके वूलन कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। हमेशा जो है वूलन्स को रखने के लिए नेप्थलीन बॉल्स का यूज करें, इससे जो है कीड़ा आपके वूलन कपड़ों में बिल्कुल नहीं लगेगा। वूलन्स को हमेशा सुखाने के लिए फ्लैट सरफेस का यूज़ करें, जैसे आप देख रहे हैं स्टैंड के ऊपर इस तरह रख के भी आप वूलन्स को सनलाइट लगा सकते हैं। हमेशा जो कोट है, शॉल है या कुछ बड़े स्वेटर हैं, उनको आप हमेशा ड्राई क्लीन ही कराएं, हाथ से धोएं नहीं। अब कुछ अनश्रिंक करने के लिए टिप्स देख लेते हैं। अगर आपका जो स्वेटर है वो श्रिंक हो चुका है तो घबराइए मत, इसकी एक बहुत ही इजी टिप है। आप क्या करें, स्वेटर को लेकर हल्के वार्म वाटर में डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा जो माइल्ड डिटर्जेंट है वो डाल दें। इससे जो आपका स्वेटर है वो दोबारा से सेम शेप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड मेरे नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।